नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार दिवस के मौके पर जावेद अली के साथ झूमेगा पटना। पीएम से लेकर सीएम तक ने दी बिहार दिवस की शुभकामनाएं। एओयू ने मनीष कश्यप को 24 घंटे के लिए लिया रिमांड पर। इंटर पास छात्राएं 25,000 रुपए के लिए इस दिन से कर सकती हैं आवेदन। इस दिन खेला जाएगा वर्ल्ड कप 2023 मैच। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार दिवस के मौके पर जावेद अली के साथ झूमेगा पटना। आज यानी कि 22 मार्च का दिन बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। बता दें कि आज बिहार पूरे 111 साल का हो चुका है। इसी खुशी में बिहार सरकार की ओर से राज्य के अंदर 22 मार्च से 24 मार्च तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजित किया गया है। बता दें कि बिहार दिवस को लेकर आज बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में स्थित श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में, रविन्द्र भवन में एवं बिहार संग्रहालय में अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। मालूम हो आज से पटना के गांधी मैदान में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है, जिसमें पहले दिन पटना वासी जावेद अली के साथ झूमने वाले हैं, तो वहीं दूसरे और तीसरे दिन पटना वासियों को मैथिली ठाकुर और गजल गायक तरत अजीज की आवाज सुनने को मिलेंगी। सीईटी बीएड 2023 के लिए फॉर्म भरने में महिलाएं रही आगे। सीईटी बीएड 2023 के संयुक्त प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन की तारीख 20 मार्च को खत्म हो चुकी है, तो वहीं अब आवेदन फॉर्म में किसी प्रकार का सुधार करवाने का समय आज यानी कि 22 मार्च तक निर्धारित किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार सीईटी बीएड 2023 के संयुक्त प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए राज्य भर से कुल 184,233 अभ्यर्थियों के द्वारा शुल्क के साथ आवेदन जमा किया गया है, जिसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या में अधिक है। बता दें कि आवेदन जमा करने में महिलाओं की संख्या 96,673 है, तो वहीं पुरुषों की संख्या 84,560 है। मालूम हो कि इस बात की जानकारी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा दी गई है। पीएम से लेकर सीएम तक ने दी बिहार दिवस की शुभकामनाएं। आज बिहार 111 वर्ष का हो चुका है, ऐसे में प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक ने बिहार दिवस की शुभकामनाएं दी है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार दिवस की शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट कर लिखा है कि बिहार दिवस पर राज्य के अपने सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई। अपने समृद्ध इतिहास और जीवन संस्कृति के लिए प्रसिद्ध बिहार के लोग देश के विकास के लिए हर क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दे रहे हैं। अपनी लगन और कठिन परिश्रम से उन्होंने एक विशेष पहचान बनाई है। तो वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भी बिहार दिवस की शुभकामनाएं दी गई। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बधाई देते हुए लिखा कि बिहार दिवस पर राज्य के सभी निवासियों को शुभकामनाएं। भगवान महावीर, भगवान बुद्ध और गुरु गोविंद सिंह जी से जुड़ी यह गौरवमयी धरती लोकतंत्र की जननी भी है। बिहार के परिश्रमी व प्रतिभावान लोग विकास और समृद्धि की नई गाथाएं लिखेंगे, यह मेरा दृढ़ विश्वास है। इसके अलावा सीएम नीतीश ने सभी को बिहार दिवस की शुभकामनाएं देते हुए लिखा, बिहार दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बिहार का इतिहास गौरवशाली है और हम वर्तमान में अपने निश्चय से बाहर का गौरवशाली भविष्य तैयार कर रहे हैं। विकसित बिहार के सपने को साकार करने में भागीदारी के लिए मैं आप सभी का आह्वान करता हूँ। हम सब मिलकर बिहार के गौरव को बढ़ाएंगे। इस दिन आएगा बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट। बीते दिन बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है, तो वहीं अब लोग बिहार बोर्ड 10वीं के रिजल्ट के आने का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा 10वीं की रिजल्ट की तारीख जारी कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार 10वीं का रिजल्ट 31 मार्च से पहले जारी कर दिया जाएगा। इसकी तैयारियां भी बोर्ड की ओर से शुरू कर दी गई है। हालांकि अब तक बोर्ड की ओर से रिजल्ट घोषित किए जाने की सटीक तारीख तय नहीं की गई है। रिजल्ट घोषित किए जाने के बाद विद्यार्थी अपना रिजल्ट बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bihar.online.bihar.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। इस दौरान विद्यार्थियों के पास रोल नंबर और रोल कोड होना जरूरी है। ईओयू ने मनीष कश्यप को 24 घंटे के लिए लिया रिमांड पर। आज यानी कि बुधवार को आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा बिहार के फेमस यूट्यूबर मनीष कश्यप को तमिलनाडु में प्रवासी बिहारी मजदूरों के खिलाफ कथित हिंसा के फर्जी वीडियो वायरल करने के मामले में पूछताछ करने के लिए 24 घंटे के रिमांड पर ले लिया गया है। फिलहाल ईओयू के द्वारा मनीष कश्यप से पूछताछ की जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईओयू की ओर से कोर्ट से मनीष कश्यप के लिए 7 दिनों की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट के द्वारा 7 दिनों के बदले केवल 1 दिन की रिमांड की मंजूरी दी गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पूछताछ में तमिलनाडु पुलिस को भी शामिल किया गया है। मालूम हो कि मनीष कश्यप के रिमांड की अवधि बढ़ाने के लिए ईओयू फिर से कोर्ट जाएगी। मालूम हो कि अब तक इस मामले में ईओयू के द्वारा आधा दर्जन कोचिंग संस्थानों को भी नोटिस जारी कर दिया गया है।
पांडुलिया को लेकर सीएम नीतीश को लिखा पत्र। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान और स्वतंत्रता सेनानी महापंडित राहुल साकृत्यान की बेटी जया साकृत्यान के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखकर अपना विरोध जाहिर किया गया है। बता दें कि जया साकृत्यान पाड़हौक के द्वारा सीएम नीतीश को यह पत्र राहुल साकृत्यान द्वारा तिब्बत से लाए गए 6400 से अधिक दुर्लभ तिब्बती पांडुलिपियां और पुरावशेष के लिए है, जिसे सरकार पटना म्यूजियम में बिहार म्यूजियम में स्थानांतरित करने की योजना बना रही है। बता दें कि जया राहुल साकृत्यान पाड़हौक के द्वारा स्थानांतरित किए जाने की योजना पर ही सीएम नीतीश को पत्र लिख विरोध जताया गया है। मालूम हो कि सीएम नीतीश के लिए लिखे इस पत्र में जया साकृत्यान का कहना है कि तिब्बती पांडुलिपियां और पुरावशेष उनके पिता के द्वारा पटना म्यूजियम को दान में दिए गए थे, न कि बिहार म्यूजियम को। अगर पटना म्यूजियम के संग्रह को बिहार म्यूजियम में स्थानांतरित किया जाता है तो यह मेरे पिता की स्मृति, हमारे देश के लिए उनकी दृष्टि और इसकी बौद्धिक विरासत का अपमान है। कुलपति समेत 29 पर दाखिल हुआ चार्जशीट। विशेष निगरानी इकाई के द्वारा मगध विश्वविद्यालय बोधगया और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आड़ा के पूर्व कुलपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ दोनों विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार, वित्त पदाधिकारी समेत 2 दर्जन अधिकारियों पर चार्जशीट दायर किया गया है। बता दें कि ईओयू की जांच में मगध विश्वविद्यालय और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में कुल 18 करोड़ रुपए के गबन और राजस्व क्षति का मामला सामने आया है। इसमें तत्कालीन कुलपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ विश्वविद्यालय के अधिकारी शामिल रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद के पास कुल 2.66 करोड़ रुपए की संपत्ति पाई गई है, जो कि उनकी वैध आय से 500% से भी ज्यादा है। इसी को लेकर बीते दिन SBU के द्वारा कोर्ट में 1000 पन्नों का अभियोग पत्र और दस्तावेज दाखिल किए गए हैं। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा में फेल हुए विद्यार्थी इस दिन से भरे परीक्षा फॉर्म। बीते दिन बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी कर दिया गया। वहीं जारी किए गए इस रिजल्ट में कुछ विद्यार्थी ऐसे भी थे जो इस परीक्षा में पास नहीं हो पाए या किन्हीं कारणों से यह परीक्षा नहीं दे पाए थे। ऐसे विद्यार्थियों को बोर्ड की ओर से एक और मौका दिया जा रहा है, यानी कि इन सभी विद्यार्थियों के लिए एक बोर्ड की ओर से एक विशेष परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी, जो अप्रैल से मई में आयोजित होगी। वहीं वैसे विद्यार्थी जो परीक्षा में पास नहीं हो सके हैं, वे विशेष परीक्षा में शामिल होने के लिए 23 मार्च यानी कि कल से 27 मार्च तक प्रति विषय 70 रुपए के साथ ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। मालूम हो कि अप्रैल मई में लिए जाने वाले इस विशेष परीक्षा का रिजल्ट 31 मई को जारी कर दिया जाएगा। जाने सृजन घोटाला में भगोड़ा घोषित किए जाने वाले केपी रमैया के बारे में। सृजन घोटाला में भगोड़ा घोषित किए जाने वाले केपी रमैया आंध्र प्रदेश के मूल निवासी है, जो बिहार के चर्चित प्रशासनिक अधिकारी यानी कि IAS रहे हैं। बता दें कि भागलपुर के DM रहे केपी रमैया के खिलाफ सृजन घोटाले मामले को लेकर वारंट जारी किया जा चुका है, जिस वजह से वह कई वर्षों से फरार चल रहे हैं। मालूम हो कि केपी रमैया ने अपनी नौकरी के दौरान JDU की सदस्यता ली थी और साथ ही पार्टी ने उन्हें लोकसभा चुनाव में सासाराम से लड़ाया भी था। हालांकि उस चुनाव में रमैया को जीत नहीं मिल पाई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, केपी रमैया 1986 बैच के IAS अधिकारी है, जो वर्ष 1989 में पहली बार भभुआ के SDO बने। इसके साथ ही वह बिहार की राजधानी पटना और बेगूसराय के DM रहे हैं। शायद आपको मालूम ना हो, पर आपको बता दें कि सियासत में आने से पहले वे SC ST विभाग के प्रधान सचिव भी रह चुके हैं और साथ ही वे महादलित आयोग के सचिव भी थे। इंटर पास छात्राएं 25,000 रुपए के लिए इस दिन से कर सकती हैं आवेदन। बिहार बोर्ड से इंटर में उत्तीर्ण होने वाली अविवाहित छात्राओं को राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो पाने के लिए छात्राओं को आवेदन करना अनिवार्य होता है। बता दें कि इस बार मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट उत्तीर्ण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत उत्तीर्ण होने वाली छात्राएं 3 अप्रैल से आवेदन कर सकती हैं। वहीं बता दें कि अगले वर्ष यानी कि 2024 से आवेदन करने के नियम में कुछ बदलाव हो सकता है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अगले वर्ष यानी कि 2024 से छात्राओं को मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट उत्तीर्ण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि के लिए अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस मुद्दे पर शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से बातचीत की जाएगी और यह निर्णय लिया जाएगा कि परीक्षा फॉर्म भरने के दौरान ही छात्राओं से बैंक अकाउंट भरवा लिया जाए। स्वास्थ्य विभाग में भर्ती को लेकर तेजस्वी यादव का बयान। बीते दिन बिहार विधानसभा के दौरान स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए बिहार के स्वास्थ्य मंत्री सह बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा कहा गया कि राज्य सरकार के द्वारा राज्य के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज सह हॉस्पिटल खोलने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही NH व SH पर होने वाली दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य में 11 नए ट्रामा सेंटर बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि राज्य में स्वास्थ्य सेवा में मेडिकल कॉलेज से लेकर CHC स्तर तक हो रहे विस्तार को देखते हुए विभाग को 1.60 लाख लोगों की आवश्यकता है।
इसलिए इन रिक्त पदों के भरने के लिए जल्द ही कवायद शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि हाल ही में 13,000 नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं और साथ ही 7,987 पदों का सृजन भी किया गया है। फिलहाल शेष पदों को भरने के लिए विभाग की ओर से अंतिम रूप तैयार किया जा रहा है। जेडीयू ने ओवैसी की पार्टी को बताया बीजेपी की पीटी। बीते दिन जेडीयू प्रवक्ता और टीबीएच मीडिया से बातचीत करते हुए ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की बीजेपी की बी पार्टी बताया गया है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि बीजेपी ने एआईएमआईएम को मैदान में उतारा है। आखिर ओवैसी की सीट 40 सीटों पर क्यों चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि दोनों ए और बी टीम है, इसलिए दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पहले प्लेयर को खेलने के लिए भेजा गया था, जब दोनों टीमें साथ में लड़ेंगी उसके बाद ही नुकसान पहुंचाने की मंशा पूरी होगी। दोनों पार्टियां एक दूसरे के पूरक है, जबकि ओवैसी की पार्टी के विधायकों ने ही उनकी भूमिका को नकार दिया था। यह पूछे जाने पर कि ओवैसी के चुनाव लड़ने पर महागठबंधन को नुकसान होगा या नहीं, उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ओवैसी के राजनीतिक चरित्र को जान चुकी है। अगर कोई राजनीति में झटका देकर वोट लेने की कोशिश करेगा तो यह बिहार में मुश्किल है। तेजस्वी के पीएम सीएम बनने वाले बयान पर सुशील मोदी ने कसा तंज। कुछ दिनों पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा बिहार विधानसभा में कहा गया था कि वो ना तो सीएम बनना चाहते हैं और ना ही नीतीश कुमार पीएम। वहीं अब उनके इस बयान पर राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी के द्वारा उन पर तंज कसते हुए कहा गया है कि भले ही लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच कोई भी डील हुई हो, लेकिन तेजस्वी यादव को अब जमीनी हकीकत की जानकारी मिल चुकी है। उन्हें एहसास हो गया है कि ना तो वो सीएम बन सकते हैं और ना ही नीतीश कुमार पीएम। उन्होंने कहा कि चाचा भतीजे अपने समर्थकों की मदद से नारे लगवाकर और पोस्टर की मदद से अपनी महत्वाकांक्षा प्रकट करते रहते हैं, लेकिन अब दोनों सफाई देते फिर रहे हैं कि उन्हें बड़ा पद पाने की कोई इच्छा नहीं है। एक तरफ जहां राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा को चूर चूर कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बिहार के हालात तेजस्वी यादव के सपनों पर ओला बरसाने का काम कर रहे हैं। इस दिन खेला जाएगा वर्ल्ड कप 2023 मैच। भारत की मेजबानी में होने वाली वर्ल्ड कप 2023 की शुरुआत 5 अक्टूबर से होने वाली है। वहीं इसका फाइनल मैच 19 नवंबर को होने वाला है। बता दें कि 46 दिनों तक चलने वाले इस वर्ल्ड कप में कुल 48 मैच भारत के 12 शहरों में खेले जाएंगे, जिसमें अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, धर्मशाला, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, राजकोट और मुंबई शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब तक बीसीसीआई के द्वारा केवल फाइनल मैच के लिए स्थल का चयन किया गया है, जो कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके अलावा इस पर भी अंतिम फैसला नहीं हुआ है कि टीमें किन शहरों में अभ्यास मैच खेलेंगी। माना जा रहा है कि उस वक्त देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून का प्रभाव होने से स्थल तय करने में देरी हो रही है। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी बुधवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कुमारी संजना, सदुल्ला पलवी, रविशंकर, प्रिंस कुमार, उमेश ऋषिदेव, रंजीत मिश्रा, मोहम्मद सकीर हुसैन, कन्हैया कुमार, बाबूलाल मरांडी, पवन सिंह, मोहम्मद बाबर, रंजीत कुमार, भान प्रकाश मौर्य, शंकर मुखिया, मृत्युंजय कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार दिवस के मौके पर आपके जिले में क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।